हाईकोर्ट का तगड़ा आदेश, फंस गए राहुल के नेता। विधायक को सरेंडर का आदेश, हाथ से निकली सी। चुनावी गणित में फंस गई कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। हरियाणा में चुनावी माहौल गर्म है। राहुल गांधी रैलियां कर कांग्रेसियों की नैया पार कराने की कोशिश में भरपूर तरीके से जुटे, लेकिन इसी बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर पर ऐसा एक्शन लिया है, राहुल गांधी के होश ठिकाने लग गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के एक फैसले ने एन वक्त पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक धर्म सिंह को सरेंडर करने का निर्देश दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ एक्शन लिया है। कोर्ट ने कहा ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। आज एक हाई कोर्ट में पटीशन फाइल हुई थी धर्म सिंह छोकर के खिलाफ, जिसमें एलिगेशन थे। उसमें पटीशनर वरिंदर सिंह है, वो कहता है मैं समालखा का वोटर हूँ, ये समालखा से धर्म सिंह छोकर वहाँ MLA है सिटिंग भी, और दोबारा वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। इसके खिलाफ कितने ही क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, इसके नॉन अवेलेबल वारंट्स भी जारी हुए हैं, ED भी इसके खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग है, इसकी एंटीसिपेटरी बेल की पटिशन भी खारिज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो उसने आज पटिशन फाइल करी थी, जिसमें उसकी प्रेयर थी भी इसके खिलाफ इमीडिएटली गवर्नमेंट को डायरेक्ट करा जाए, भी इसके खिलाफ एक्शन ले। और इसने जो इलेक्शन कमीशन में भी एफिडेविट किया, फाइल किया है अपना, उसकी भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। जब इतने केस रजिस्टर्ड है, उस सबको इसने कंसील करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के नीचे इलेक्शन कंटेस्ट किया है, तो कंसीलमेंट होने के कारण इसके एफिडेविट की दोबारा जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जब आज, क्योंकि पटीशन जब डिवीजन बेंच के पास लगी थी, तो कोर्ट का ये कहना था कि इतने सीरियस एलिगेशन है और इसकी जो बेल की एंटिसिपेटरी बेल की पटीशन थी ऑलरेडी खारिज हो चुकी है, तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। इसमें हीरिंग के दौरान गवर्नमेंट के और ED के क्राइमस के एलिगेशन लगाए जा रहे थे, इसलिए कोर्ट ने सीरियस व्यू लेते हुए कहा है कि कल तक या तो वो सरेंडर करेगा धर्म सिंह छोकर जो है, नहीं करेगा तो उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था एजेंसियां धर्म सिंह छोकर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी होने के बावजूद वो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। बस इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ सख्ती दिखाई और सरेंडर न करने पर गिरफ्तारी का आदेश सुना दिया। बता दें कि कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधों के आरोपों में ईडी के रडार पर हैं। उनके खिलाफ पहले वारंट जारी हो चुका है, बावजूद उसके भी वो खुलेआम घूम रहे थे, इसलिए अब उनके सरेंडर करने का आदेश आ गया है। बता दें कि धर्म सिंह छोकर मौजूदा विधायक भी हैं और पानीपत के समालखा सीट से दोबारा चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब उनके सरेंडर करने से कांग्रेस की ये सीट फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ मुकाबला काफी टफ होता दिख रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी भ्रष्टाचार की वजह से दूसरी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं और बीते दिनों से बड़े बड़े नेता उनके समर्थन में रैलियां कर रहे थे, लेकिन अचानक विधायक के खिलाफ कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस को हिला कर रख दिया है। चलिए अब ये भी बताते हैं कि आखिर कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर पर क्या आरोप है। धर्म सिंह पर गुरुग्राम पुलिस ने साई आईना फॉर्म्स लिमिटेड को धोखाधड़ी देने का आरोप लगाया था। कहा गया फर्म से 1497 लोगों से घर के बदले 360 करोड़ रुपए लिए गए, सभी को गुरुग्राम के सेक्टर 68 में घर बनाकर देने का भरोसा दिया गया, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। गुरुग्राम पुलिस की FIR के आधार पर ही केस दर्ज किया गया है। ED ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी में विधायक के बेटे को भी गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर पर सख्ती दिखाई है और राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस को भी फटकार लगाई है, क्योंकि गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी विधायक साहब खुलेआम प्रचार प्रसार करते हुए घूम रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। अब कोर्ट की फटकार के बाद कांग्रेस विधायक पर सख्ती बढ़ाई गई है और उनकी गिरफ्तारी अब लगभग तय है, जिससे कांग्रेस का पानीपत में खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।